नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल, अमरावती में 11 पॉजिटिव मरीज मिले। गडकरी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई स्थगित। दर्शकों, अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब राशन कार्ड बनवाना पहले की तरह आसान नहीं होगा। दरअसल नए सॉफ्टवेयर में कई दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित सॉफ्टवेयर का संचालन किया जाता है, जिससे राशन कार्ड बनाए जाते हैं। इधर नए राशन कार्ड बनाने की मुश्किल प्रक्रिया के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी खबर, जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या कम हो गई है। शुक्रवार को 11 पॉजिटिव मरीज सामने आए। जिले में कोरोना से अब तक कुल 96,052 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। जिले में कोरोना से अब तक 1,562 रोगियों की मौत हुई है, जबकि वहीं 94,434 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में एक्टिव मरीज 56 है, रिकवरी रेट 98.32 व डेथ रेट 1.63 हो गया है। तीसरी खबर, बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पराजित किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ दाखिल की गई चुनावी याचिका पर सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गडकरी के खिलाफ मतदाता मोहम्मद नासिफ खान ने भी चुनावी याचिका दाखिल की है। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका के विभिन्न आधारहीन बिंदुओं को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आने के कारण पटोले की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे